बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं और अल्लाह पाक के फजल से खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने कुर्बानी के लिए दो बकरे जानवर जो है इनका इकट्ठा कर लिया है। वाले दिन ज़बह करेंगे और इसका गोश्त जो है गरीबों में जाकर तकसीम करेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने बताया था कि आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं और उसका गोश्त गरीबों में तकसीम करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। तो एक हमारी बहन है जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए दो बकरे, उन्होंने कहा है कि आप इन्हें हमारे नाम पर, उनके मतलब कि हम अपनी बहन के नाम पर इतनी कुर्बान करेंगे और उनके नाम पर कुर्बानी करेंगे और फिर जो है इसका गोश्त गरीबों में जाकर घर घर जाकर तकसीम करेंगे। जो यहाँ पर आएंगे उन्हें भी दे देंगे और जो बच जाएगा और हम घर घर जाकर गोश्त जाकर तकसीम करेंगे। और मैंने ऐद किया है कि इंशाल्लाह ताला इस ईद पर हम जो है अपनी ईद अपने भाइयों में जाकर मनाएंगे और उनकी खुशियों को दोबारा करेंगे। जो मेरी सिस्टर हैं उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया है और उन्होंने इस नेक काम में अपना हिस्सा डाल दिया है। आप भी आएँ और अपने हैसियत के मुताबिक और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आएँ, हिस्सा डालें और इस नेक काम में हमारा साथ दें। ये जो है इसका जो गोश्त है हम इंशाल्लाह ताला गरीबों में जाकर तकसीम करेंगे। और हम आप लोगों का बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप लोगों ने हम पर इत्माद किया, आप लोगों ने हम पर इत्माद किया और इंशाल्लाह ताला हम आपके इत्माद को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपकी तवक्कुआत पर उतरें। और मुझे खुशी है कि इस नेक काम, इस फलाही काम का शर्फ मुझे हासिल हुआ है और अल्लाह पाक मुझे कभी भी अपने रास्ते से ना भटकने दे। इनका जितना भी गोश्त होगा वो जाकर मैं गरीबों में जाकर तकसीम करूंगा और उनके चेहरे पर खुशियाँ लाऊंगा। वैसे तो हम उनकी गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकते पर हम कोशिश कर सकते हैं कि थोड़े से वक्त, चाहे हम थोड़े से वक्त के लिए सही, उनके चेहरे पर खुशी तो ला सकते हैं। वो जो चेहरे पर थोड़े से वक्त के लिए भी खुशी होती है, अल्लाह पाक को जो पसंद है वो हम सोच भी नहीं सकते और इसका अजर अल्लाह पाक हमें देगा। तो आइए हमारा साथ दें और हम इस ईद पर खुशियां बांटें और लोगों के चेहरे पर खुशियां लेकर आएँ। हमें रखें अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगेबान।